बच्चों, आज हम कक्षा सातवीं का विषय विज्ञान जिसमें अध्याय 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के हम के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने देखा कि हमारे पास हमारे आसपास बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जिसमें क्या होता है, अलग अलग परिवर्तनों के बारे में हम पढ़ते हैं। और हमने कई बार देखा हमारे घरों में, स्कूलों में, जहाँ पर भी हम रहते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि मान लो कोई जल हमने लिया, पानी लिया, और उसमें हम शक्कर लेंगे और उसमें घोलेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एक प्रकार से जो शक्कर का पानी, शक्कर जो हम घोलेंगे वो एक शक्कर और जल का विलयन हो जाएगा। तो यह भी क्या है, एक विलयन बनना, एक परिवर्तन होता है। और हम देख सकते हैं हमारे फ्रिज में जब हम पानी की बोतल भर के रखेंगे या फिर जल कटोरी में भर के रखेंगे, तो वो क्या होगा, एक बर्फ के रूप में जम जाएगा। तो वह भी एक जल से बर्फ बनना भी एक परिवर्तन होता है। और दूध, दूध से दही बनना भी एक परिवर्तन होता है। और दूध जब 2 दिन तक हम रख सकते हैं तो उसमें क्या होता है, वो फट जाता है, तब भी वह एक परिवर्तन हम देखते हैं। इस प्रकार से हमने परिवर्तन, कई सारे परिवर्तन हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे जो सातवीं कक्षा में पाठ 6 जो है वो क्या है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। हमने कक्षा 6 में पढ़ा था कि हमारे चारों ओर के जो परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों में किस किस परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है और किस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो परिवर्तन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, व्यापक रूप से परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। इस प्रकार से परिवर्तन क्या है, 2 प्रकार के होते हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के बारे में हम पढ़ेंगे। मान लो कोई सा परिवर्तन हुआ, भौतिक परिवर्तन की परिभाषा सबसे पहले देखेंगे कि पदार्थ के आकार में आमाप मतलब साइज, रंग और अवस्था और उसके गुणों में, वो क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन के गुण कहलाएंगे। और वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो वह भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। उसके गुणों में परिवर्तन होगा तो वह क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन होगा। अब उसके गुण कौन कौन से हैं, आकार है, साइज है और उसका रंग है, इस प्रकार, और उसकी अवस्था है। इसमें जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। और ऐसे परिवर्तनों से कोई नया पदार्थ नहीं बनता है तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। यहाँ पर एक चित्र दिखा रखा है इस प्रकार से, मान लो किसी कागज के हमने टुकड़े कर दिए और उस टुकड़ों को हमने वापस उसी अवस्था में जोड़ने की कोशिश की, तो क्या हो जाता है, वो उसी अवस्था में जुड़ सकता है, तो उसमें कोई नया परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। एक और उदाहरण हम इसमें देखेंगे, जल से बर्फ बनना, और जब बर्फ पिघल जाएगी तो उससे क्या होगा, वापस जल बन सकता है। तो यह भी, इसमें भी कोई नया पदार्थ नहीं बनी, कोई नई अवस्था नहीं बनी, इसलिए उसे हम क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन। अब हम अगला क्या देखेंगे, दूसरा परिवर्तन जो होता है, रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पर हम देखेंगे कि रासायनिक परिवर्तनों में क्या होता है कि वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक, मतलब रासायनिक परिवर्तन में एक या उससे अधिक नए पदार्थ बनते हैं, पूर्ण रूप से एक नया पदार्थ बन जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। तो हम यहाँ पर बहुत सारे ऐसे परिवर्तन देख सकते हैं। मान लो किसी लकड़ी को हमने जला दिया और वह जल गई और वो एक राख के रूप में या एक कोयले के रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। और इस प्रकार से दूध का दही में परिवर्तन होना भी एक
रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा, क्योंकि वह दूध से दही एक नया पदार्थ बन चुका है, इसलिए उसको हम एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण बोलेंगे। तो वह होता है रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया है, मैग्नीशियम की पतली पट्टी को इस प्रकार जलाते हैं तो वह किस प्रकार से जल जाती है और किस प्रकार से वो परिवर्तन, उसमें क्या परिवर्तन आता है वह देखेंगे। मैग्नीशियम की पतली पट्टी तार का टुकड़ा लिया और उसके सिरों को रेगमाल से साफ करके सिरे को मोमबत्ती की लो के पास लाकर हमने क्या करा है, जला दिया है। अब जलने से उसमें क्या होता है, एक चमकदार श्वेत प्रकाश देने लगती है और जलने से श्वेत भस्म पाउडर बन जाता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन ही बोलेंगे। तो यह होता है रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पर एक और क्रियाकलाप दिया है, लोहे द्वारा अभिक्रिया के कारण कॉपर सल्फेट विलयन के रंग में परिवर्तन, इस प्रकार से कलर में भी परिवर्तन होता है तो वो क्या होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। और क्रियाकलाप, अगला क्रियाकलाप है यहाँ पर चूने के पानी में से गैस को गुजारने की अवस्था, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। और हम देखेंगे यहाँ पर एक रासायनिक परिवर्तन का विस्तारित रूप से एक उदाहरण दे रखा है, वो है लोहे में जंग लगना। यह कौन सा उदाहरण है, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो किस प्रकार से लोहे में जंग लगना एक परिवर्तन, लोहा क्या है, F प्लस, वो लोहा जब क्या करेगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, O2 प्लस जल से अभिक्रिया करेगा, इस प्रकार से क्या बनाएगा वह, आयरन ऑक्साइड का रूप ले लेगा। इस प्रकार से इसमें परिवर्तन होता है। यह एक लोहे में जल लगने का एक उदाहरण है, यह उसे हम एक समीकरण भी बोल सकते हैं। लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जल वाष्प दोनों उपस्थित अनिवार्य, दोनों का उपस्थित होना अनिवार्य होता है। जब लोहे को हम खुले स्थानों में छोड़ देते हैं तो वहां पर जल लग जाता है, पानी लग जाता है और वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन हवा लग जाते हैं, तो क्या करते हैं, लोहे में जंग लग जाती है। इस प्रकार से लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। यहाँ पर हम और भी देख सकते हैं, किसी धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाई जाती है तो उसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। मान लो लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने के लिए उस पर लेपित करते हैं, दूसरी धातु चढ़ाते हैं तो उसे गैल्वेनाइजेशन हम कहेंगे। यहाँ पर स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम निकेल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर मिलाकर बनाया जाता है तो उसमें क्या होती है, जंग नहीं लगती है। तो इस प्रकार से हमने रासायनिक परिवर्तन का जो एक उदाहरण देखा है, लोहे में जंग लगना। अब यहाँ पर हम देखेंगे अगला अपना टॉपिक जो होता है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण कैसे होता है, हमने पढ़ा था कि साधारण नमक लवण को समुद्र जल के वाष्पन द्वारा क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। इस प्रकार प्राप्त होने वाला नमक क्या होता है, शुद्ध नहीं होता है और उसके क्रिस्टल छोटे होते हैं। इस प्रकार प्राप्त नमक के क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। यद्यपि किसी पदार्थ को शुद्ध तथा बड़ी आमाप के क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, क्रिस्टलीकरण कहलाएगी। और यह परिवर्तन